उस दिन तू वो जो माही के कार पार्टी में गई थी तो बहुत बड़ी पार्टी होगी, नहीं? बहुत लोग आए होंगे? जी राडी जी, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत सारे लोग आए थे। वो सब लोग हमारे जैसे थे या फिर आजकल के ये मॉडर्न टाइप? सब लोग शराब राब भी पी रहे होंगे। डैडी जी, आप मुझसे क्यों ये सब पूछ रहे हैं? कुछ हुआ क्या डैडी जी? सोनी पुत्र, उस दिन तूने हमें पार्टी के बारे में बताया था, वो सब तेरी अपनी बनाई हुई कहानी थी ना? असल में वहां कुछ और हुआ था। मैं ठीक कह रहा हूं? दादी जी, आप माही की चिंता मत करिए। शब्द और उसका परिवार हमसे बहुत अलग है। वो लोग आजाद ख्यालों के हैं, लेकिन शब बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी माही को सच्चे दिल से प्यार करता है। और थोड़ा वक्त तो लगेगा ना दोनों को एक दूसरे को समझने में। ठीक कह रही है तू, बिल्कुल ठीक कह रही है पत्थर, बिल्कुल ठीक कह रही है। मोनी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना। बल्ले आई लस्सी लाओ। ला लो जी। वाह भाई, तेरे हाथ की लस्सी का ना जवाब ही नहीं है। आप ही ना बस। Okay, when wife is around, no more work. I'm all yours, wifey. अपने डैड की खातिर की? नहीं, उन्हें घर जल्दी जाना था, इसलिए वो चले गए। Actually, माही, मैं तुम्हारे डैड के साथ वक्त गुजारना चाहता था, बट मुझे लगा कि तुम दोनों अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। Actually, to be honest, मैं जरा अनकंफर्टेबल हूँ तुम्हारे फोर्स के साथ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? माही, माही, अगर तुम्हें बुरा लगा तो I'm really sorry। मैं तुम्हें या तुम्हारे डैड को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं बस निकल ही रहा था कि तुम लोग ही आ गए। I swear, I promise। अच्छा, तो ये बात लेके ही तुम नाराज हो कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया? अब माही, मुझे माफ कर दो ना। I'm really sorry। I promise I won't do it again। I am sorry। मैं कान पकड़ लिया, देखो। सॉरी माई प्रिंसेस, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे प्रिंसेस नहीं, आई एम सॉरी योर हाइनेस। ए माही ने मुझे फॉरगिव कर दिया, ये पे। आई लव यू माही, आई लव यू सो मच। अच्छा, मैं तुम्हें बाहर लेने जाना चाहता हूँ। एनी प्लेस यू लाइक, यू जस्ट नेम इट। एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। हाँ, आई नो, द न्यू पॉइजन डिस्को। नहीं नहीं, वो तो पुराना हो गया। द न्यू रॉक कैफे, उसी के पास है। उसी के पास में, पास में, पास में, उसके पास में क्या? एम्बर बार? नो, द ट्यूलिप लाउंज। अब अजिंस, व्हिच वन यू वांट टू गो टू? अगर मैं एक बार कहूंगी तो आप चलेंगे ना? हां ऑफ कोर्स, टेल मी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, एनीवेयर यू वांट टू गो। ज्वाला देवी का मंदिर। व्हाट? आपने अभी प्रॉमिस किया था। हाँ, वो प्रॉमिस किया था ना। नहीं नहीं, जाएंगे ना। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम सही सलामत राजी खुशी अपनी चांद सी बेटी के साथ
घर वापस आ गई हो। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। लातो आजा बच्चे आजा आजा। ओह नो नो। गुड़िया रानी आपका अपने इस घर में स्वागत है। अरे ये क्या इस तरह मुझे टुकुर टुकुर देख रही हो? तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारा भी इस घर से रिश्ता जुड़ गया है। जल्दी पुत्र वीणा को ना उसके कमरे में ले जा, थक गई होगी। जी जी पापा जी। वीणा पुत्र जा। चल वीणा चल। राजी पुत्र जा, जरा गुड़िया को भी संभाल के ले जा। अरे मामा मेरे को तो ना, मैं मामा इसका। अरे दोनों 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 प्लीज 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 एक बार संभाल के जीत। संभाल के हैं। राजी पुत्र अब वीणा घर आ गई है, हम सब मिलकर ना वीणा और बच्चे की देखभाल कर लेंगे। पुत्र अब तुम अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ। हाँ राजी, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए, अब तुम्हें अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए लगाना चाहिए। तुम जाकर पढ़ाई करो, आज खाना मैं बाहर से ऑर्डर करवा लूंगा। वो क्या है ना राजपुत्र, वीना अभी अभी हॉस्पिटल से कर आई है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसे बाहर का खाना देना चाहिए। वो क्या है ना कि बाहर के खाने में है ना इन्फेक्शन का डर भी लगा रहता है ना। और वैसे डॉक्टर ने भी कहा कि वो बहुत कमजोर हो गई है। ऐसा करो हलवा ही बना दो, वीना को बहुत पसंद भी है हा? और थोड़ी देर उसके पास बैठ भी जाना, अभी अभी हॉस्पिटल से आई है ना। वो क्या है, मैं बैठ जाती। वो क्या है ना, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ वीना की फिक्र में, थोड़ा सा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, फिर बैठ जाऊंगी ना उसके पास। चलती हो ना, हलवा बना। पापा जी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे तो राजी को वक्त ही नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। वीर पुत्र ये इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें राजी पुत्र के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं पापा जी, मतलब क्या करना चाहिए आप ही बताइए। मैं क्या बताऊं पुत्र, ये जो औरत है ये तुम्हारी माँ हिटलर है, एकदम हिटलर है। मेरे को तो बहुत डर लगता है इसे। पापा जी अगर हमें भाभी की मदद करनी है तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक पुत्र काम करते हैं। ओहो, 1 बजने को आया। राजी पुत्र। जी मामी जी। वीना सो रही है ना? जी। और गुड़िया? दोनों ही सो गए मामी जी। एक काम कर, रसोई में जा और जल्दी से हलवा बना दे, और वीना को लंच भी करा दे, उसे गुड़िया को फीड भी तो करना है। हा? जी मामी जी। और हाँ राजी पुत्र, हलवा जरा देसी घी में बनाना। हा? जी। अब मम्मा, मम्मा हलवा बना रहे? हाँ। मम्मा हलवा तो आपके हाथों का बनना चाहिए, आपके हाथों के बनाए हुए हलवे का तो जवाब ही नहीं। मम्मा आपको याद है बचपन में जब भी आप हलवा बनाती थी तो मैं और वीना दी कैसे चटकर जाते थे, और भाई और ज्योति दी का तो कुछ मिलता ही नहीं था। सही, बिल्कुल सही। मम्मा जीत एकदम सही कह रहा है, जैसा हलवा आप बनाती है ना वैसा मैंने कहीं नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। पापा जी आपने खाया? ओ तरमनाल पुत्र तरमनाल, भाई कमाल है हलवा हो तो तुम्हारे हाथ का। ओए दुर्गा के हाथ के बने हलवे का जवाब नहीं। अजीत पुत्र ये जो हलवा होता ना ये बनाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ अच्छा सच? ओए सच मुच।
मामा प्लीज मामा हलवा बनाओ ना मामा। राजी पुत्र आप ही ना। राजी पुत्र एक काम कर, तू रहने दे, हलवा मैं बनाती हूँ। ऐसे क्या देख रही है, कहा ना हलवा मैं बना दूंगी। हाँ तू जाके पढ़, पढ़ाई भी तो करनी है ना तुझे। हाँ अभी आई हूँ। So nice of you, दुर्गा जी। दुर्गा जी उसमें ना थोड़े से बादाम जरूर डालना। जरूर। राजी पुत्र तुम यहां खड़े होके क्या कर रहे हो? तुम्हें पढ़ने की इजाजत मिल गई है, जाओ जाके पढ़ो। हाँ? जी पापा जी। पापा जी तुसी ग्रेट देता नहीं। ये क्या है? याद है ना आज मंदिर जाना है, जल्दी से इसे पहन लो। पहन लो। ओके वाइफी अगर तुम कहती हो तो पहन लेता हूं। बिल्कुल जोकर लग रहा हूं। अब मत कहना कि पजामा में पहन लो। मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे देख लिया ना, सारी जिंदगी मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो हंसते रहेंगे। अरे बीवी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे वाह, मंदिर जा रहे हो इन कपड़ों में? वैसे ये कुर्ता लुक तुम पर बहुत सूट कर रहा है, वो क्या कहते हो तुम? हाँ कूल। चलो माही का साथ तुम पर कुछ तो असर कर रहा है। माही के साथ रहकर मेरा बेटा संस्कारी हो रहा है। डीएम ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ आज के लिए, तुम दोनों को खुश रखने के। बहुत से वाइफी तुम दोनों खुश हो ना, चलो अभी जाते हैं। ओके आई एम वेटिंग आउटसाइड। चलो डीएम। बाय डीएम। बाय। तुम भी जल्दी जाओ इससे पहले कि शब्द का कोई और प्लान बने। राजी राजी बहुत भूख लगी है, कुछ चाट। मम्मा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? पसीने पसीने हो रहे हो, मुझे तो लगा कि राजी कुछ पका रही है। क्या कर क्या रहे हो आप? अरे तुम सबके लिए हलवा बना रही हूँ मैं। आपको क्या जरूरत है मम्मा इतनी गर्मी में हलवा बनाने की? वो राजी है ना, कोई बना लेगी। चलो। अरे वो कह रही थी मुझे कि मैं हलवा बनाती हूँ, लेकिन पता है क्या हुआ, जीत और वीर ने कहा मम्मा आपके हाथों जैसा हलवा ना कोई नहीं बना सकता। तू देखती ना तो वो राजी का मुंह बड़ा उतर गया था, देखने लायक था उसका चेहरा। मम्मा ज्योति चीनी देना जल्दी। यहाँ तो इतनी गर्मी है, मैं तो फंस गई। और तो और तेरे पापा भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारे हाथों में ना जादू है दुर्गा। चलो देर से ही सही, उन्होंने मेरी कुकिंग की कदर तो की, तारीफ तो की, और इतना वो हलवा हलवा कह रहे थे ना तो सोचा आज हलवा बना ही दूं। मेरी भोली मम्मा आपको क्या लगता है कि वो आपकी सच में तारीफ कर रहे थे? क्यों तुम्हें कोई शक है? वो राजी से तो कई हजार गुना हलवा अच्छा बनाती हूँ मैं, मेरे हाथ का बना हलवा घर में सबको पसंद है, देखना उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। तेरी दादी हमारे घर आई थी मुझे देखने, तब हलवा मैंने ही बनाया था, वो खा के ही उन्होंने मुझे पसंद किया था। हाँ ये बन गया। Thank you.
इस तरह क्या देख रहे हो? हाथ जोड़ो मेरे सामने, नहीं देवी माँ के सामने। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। सदा खुश रहो। ये और एक प्रेयर किस लिए? हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी मांगने के लिए। अगर पूजा के वक्त कोई भूल चूक हो गई हो तो माँ हमें माफ कर देगी, और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने हमें सब कुछ तो दिया है, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, सब कुछ। इसलिए माँ का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। तो फिर देखा जाए तो मैंने बहुत गलतियां की। मैंने देवी माँ से आपके लिए भी माफी मांगी। देवी माँ, आई एम सॉरी, आई डोंट नो एनी ऑफ योर रिचुअल्स, और मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना। बट थैंक यू फॉर गिविंग मी माइंड। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई रियली लव यू। Thank you very much. चले चलो। Hey, Shab. Hi, Shab. Hey guys. Hi, Bobby. कैसा? भाई ये हम क्या देख रहे हैं? शब और मंदिर में? यार शब, तू तो शादी के बाद एकदम बदल गया यार। चिल गाइस, मंदिर आने में क्या बुराई है? लेकिन मंदिर में मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, और इसकी सुबह तो 11 बजे होती है ना। लुक एट यू, आज सुबह ही मंदिर की आरती में पहुंच गया। ये तो पूरा पोंगा पंडित बन गया यार। मजाक उड़ा रहे हो? शब्द यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, ये तो उसकी संगत का असर है। शब्द ना कभी बदला था और ना ही बदलेगा। ये मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है? After all, he's my boyfriend. सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर फोन किया था, वहां से पता चला कि तुम दोनों यहाँ हो मंदिर में। So, I'm right here. But, तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो गए हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बीवी को देखना चाहती थी। I mean, तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहती थी। और she's right here, और तुम तो हमें मिला भी नहीं रहे हो। मैं इसे हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, तो डरो मत, just chill. Sorry, मैं मंदिर के सामने खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। I swear, कुछ नहीं बोलूंगी, promise. हमारी secret safe रहेगी। Sorry. Just joking. ये तो हमें नहीं मिलाएगा, माही, right?
बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। हाय, आई एम सुहानी। नाइस टू सी यू। बाय द वे शब, कांग्रेट्स। तुम वाकई बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। शायद तुम्हें ऐसी ही लाइफ पार्टनर की जरूरत थी ना? ये माही की इतनी तारीफें क्यों कर रही है? आखिर उसका इरादा क्या है?